दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल मिलन टेक्निकल में। मेरे पास देखिए दो गाड़ी रखा हुआ है, एक पुराना एक नया। तो दोनों गाड़ी में अंतर बताएंगे। देखिए इसमें ये जो रिक्शा का चक्का दिख रहे हैं, ये रिक्शा का चक्का से बना हुआ है, ये मोटरसाइकिल चक्का से बना हुआ है। तीनों देख सकते हैं, तीनों मोटरसाइकिल के चक्का से बना हुआ है और इसका तीनों जो चक्का है रिक्शा का चक्का से बना हुआ है। ये भी काफ़ी मजबूत गाड़ी है, इसको दिखाओ। ये भी काफ़ी मजबूत गाड़ी है और ये भी काफ़ी मजबूत गाड़ी है। दोनों अलग अलग जगह पे अपना मतलब गाड़ी अच्छा है। इसका फ्रेम अलग है और इसका भी फ्रेम अलग है। तो दोनों का गाड़ी का आप लोगों को डिटेल्स बताएंगे, कितना लोड कैपेसिटी कितना है और कौन कितना मतलब स्पीड में चल सकता है, ये सारे चीज़ जानकारी में देंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रही है। और अगर कोई दोस्त मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो चलिए पूरा डिटेल्स से आप लोगों को बताते हैं इसमें क्या क्या अंतर है। तो दोनों गाड़ी आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। दोनों गाड़ी आप लोग देख रहे होंगे, एक रिक्शा का चक्का से बना हुआ है और एक जो मोटरसाइकिल के चक्का से बना हुआ है। दोनों गाड़ी का आप लोगों को दिखा देते हैं। इसका आगे वाला चक्का देख सकते हैं, ये वाला मोटरसाइकिल के चक्का से बना है, इसमें शॉकर लगा है, और इसमें रिक्शा का चक्का से बना है और इसमें शॉकर नहीं लगा है, ये डायरेक्ट है। और इसका कैची देखिए, जो फॉर्क होता है काफ़ी मजबूत है, ये भी ढलाई फॉर्क है। और इसका ब्रेक सेंटर में रखा गया है, सिंगल ब्रेक का है। इसका जो फ्रेम है पाइप वाला फ्रेम जो KW का आता है वो वाला लगाया गया है। और इसका जो फ्रेम है ये ढलाई वाला है, काफ़ी मजबूत है। और इसका ब्रेक साइड में है और डबल ब्रेक इसमें लगाया गया है। पैर रखने वाला जगह है, पैडल सिस्टम रखा गया है। और इसमें देखिए ये हेडलाइट हॉर्न ट्विटर रिवर्स करने के लिए सिस्टम रखा गया है। और इसका हैंडल जो है रिक्शा का है और ये लेफ्ट हैंड का ग्रिप है, इसमें तीन बटन दिया गया है। ये बैक रिवर्स करने के लिए बटन है। ये मोटरसाइकिल का हैंडल इसमें है, यहाँ पे जाम किया गया है। इसका स्विच अलग है, LR स्विच जिसको बोलते हैं, अलग से लगाया जाता है। इसमें भी हेडलाइट है, हॉर्न है, इसमें बैक ग्लास है और उस गाड़ी में बैक ग्लास नहीं है। सीट दोनों का सेम है, स्प्रिंग वाला सीट है ताकि बैठने में कंफर्टेबल हो, जो ड्राइवर हो उसको कोई दिक्कत ना हो। पीछे टेक लगाने का जगह दिया गया है दोनों गाड़ी में। ये लकड़ी का फ्रेम है, ये भी लकड़ी का फ्रेम है। इसमें कलर किया हुआ है और इसमें कलर नहीं किया हुआ है। ये पीछे वाला चक्का है, इसका तिल्ली की काफ़ी मोटा होता है, 5 mm करीब एक एक तिल्ली होता है। इसका भी 5 mm 6 mm आता है, इसका भी तिल्ली, ये भी काफ़ी मजबूत है। ये 3.75 का टायर है 18 इंच का, और वो 1.75 का टायर है 28 इंच का। ये हब है, लेफ्ट साइड का हब है जो मतलब जाम रहता है एक्सल के साथ, और ये राइट साइड का हब है जो जाम नहीं रहता, ये फ्री रहता है। एक इसके अंदर आपका बेयरिंग होता है। इसका बीच में दिखा देते हैं आप लोगों को, इसमें सिस्टम रखा गया है, बैटरी देखिए, इसमें ब्रेक देखिए, आप लोगों को ब्रेक दिखा देते हैं। ये सेंटर में रखा गया है, इसका ब्रेक, एक ब्रेक लगा है, ब्रेक पुली इसका एक लगाया गया है। इस एक में भी चलता है और दो में भी चलता है। दो में थोड़ा सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बाई चांस आपका एक कट जाए तो दूसरा ब्रेक आपका लग जाएगा। इसमें सिंगल ही रखा गया है, इसका स्प्रिंग छोटा है और बीच में इसे रखा गया है, फ्रेम के साइड में रखा गया है बीच में। और उस गाड़ी में वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, वो साइड में रखा गया है। ये मोटर है, 750 वाट का मोटर है इसमें। ये 5-6 साल से पुराना हो चुका है, ये गाड़ी अभी भी चल रहा है, मोटर में कोई खराबी नहीं आया है। ये लेफ्ट साइड का टायर है, देखिए इसका मोटाई इतना में 1.75 इसका मोटाई में है, 28 इंच का गोलाई में है इसका। ये भी काफ़ी मजबूत मतलब चक्का है, रिंग भी काफ़ी मजबूत है और टायर भी जो नॉर्मल रिक्शा में होता है ठेला वाला में उससे काफ़ी 2 गुना करीब करीब मोटाई में, इसका तिल्ली भी 2 गुना में है। यह देखिए ब्रेक सिस्टम, ब्रेक पुली यहाँ पे एक रखा गया है और एक मोटर से चलने वाला काटा लगाया गया है, स्पोकेट बोलते हैं। ये ब्लॉक कवर इसके अंदर है, ऊपर स्प्रिंग है, इसमें बैक लाइट नहीं लगाया गया है।
और इसमें जो है आपका बैकलाइट लगाया गया है। ये देखिए मोटर का चेन से चलने वाला पीछे एक्सल के साथ सॉकेट के साथ इसको जाम किया जाता है। इसमें दो ब्रेक पुली लगाया गया है और इसमें आपका बैक लाइट भी लगाया गया। देखिए छोटा छोटा गोल लाइट लगाया गया, जब ब्रेक मारेंगे आगे वाला तो ये लाइट आपका ऑन ऑन हो जाता है। वो भी आप लोगों को दिखाएंगे रात में किस तरह से ये रोशनी करता है। सारा चीज़ आप लोगों को अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और घंटी का जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि नया नया वीडियो मेरे चैनल में हमेशा देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे वीडियो से आप लोगों को। जितना भी मिस्त्री लोग हैं या फिर कोई होममेड बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा बहुत दिमाग रहेगा तो आप लोग खुद ये गाड़ी तैयार कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी का पार्ट चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहाँ पर जाके कॉल करके मंगवा सकते हैं। कलकत्ता से बाहर है तो ट्रांसपोर्ट में भेजा जाता है या फिर कुरियर से, उसका चार्ज अलग लगता है। तो दोनों ही गाड़ी काफ़ी मजबूत होता है, दोनों गाड़ी मतलब 5 से 6 क्विंटल की लोड लेने में सक्षम है और 35 स्पीड में चलता है। ये मोटर इसमें लग रहा है, दूसरा गाड़ी बन रहा है, इसमें मोटर लगा रहा है, मोटर बैठा रहा है, बैटरी लग रहा है 50 एम्पियर का बैटरी लग रहा है और 750 वाट का मोटर लगाया 48 वोल्ट का, इसका अभी काम चल रहा है। तो मेरे चैनल में हमेशा नए नए वीडियो को देखने के लिए मिलेगा और जानकारी वाला वीडियो रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा कौन चीज़ कहाँ बैठाया जाता है। थोड़ा बहुत देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, और कुछ भी अगर चाहिएगा तो कमेंट में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि क्या इसमें मतलब क्या करने से अच्छा रहता है, वो भी बता दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, तो उसी हिसाब से आप लोगों को मतलब बनाने की कोशिश करेंगे। मोटर का जो काटा होता है और पीछे वाला एक्सल का जो काटा होता है फ्री व्हील, वो एकदम बराबर सीधा होना चाहिए। सीधा होगा तभी चलेगा, नहीं तो अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ये आपका नहीं चलेगा, चेन उतर जाएगा बार बार। आगे पीछे दोनों ही तरफ ये गाड़ी चलता है, रिवर्स भी लेता है और मतलब फॉरवर्ड भी चलता है, रिवर्स भी चलता है, दोनों तरफ ये गाड़ी चलता है। इसका ब्रेक भी काफ़ी हैवी दिया जाता है, ऑन द स्पॉट ये काम करता है, ब्रेक लेंगे तो एकदम ऑन द स्पॉट आपका रुकेगा, कोई एक्सीडेंट का डर नहीं रहता है। आजकल जो है ठेला है फिर ये मतलब इसे चलाना बहुत ही आसान हो गया है, पैडल सिस्टम भी रखा जाता है बाय चांस के लिए उसको ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये बैटरी वाला जो हो गया है काफ़ी आसान हो गया, सारे लोगों का काम फेरी वेरी इसमें भी कर सकते हैं आसानी से, इधर से उधर कोई भी दुकान आप लोग लगा सकते हैं, इसमें ठेला में भी आप लोग इस फिटिंग कर सकते हैं, ठेला में दुकान टाइप के बना के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अब मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अब मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।